सो वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मॉर्निंग वालों का यार इकोनॉमिक्स का पेपर लेके आया हूँ क्लास 11 बच्चों के लिए। यार आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। 6 तारीख को आपका एग्जाम है दोस्तों, अभी संडे है, प्रॉपर वीडियो अपलोड हो जाएगी आपको। आपको जो कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा मैं इसके अंदर अपोजिट में, वो टॉपिक तो जरूर कर लेना, यानी अगर इसके में आ गए हैं तो अपोजिट वाला यार आपके में ही आएगा, ऑब्वियस ही बात है। तो स्टार्ट करते हैं पेपर को, देखना भाई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। पहला क्वेश्चन आया है हमारा, जो प्रॉपर सेक्शन में डिवाइड है, ए हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों में ही आता है ऑब्वियस ही बात है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स। इसमें से कौन सी स्टैटिक्स की लिमिटेशन नहीं है, इनमें से कौन सी संख्य की एक सीमा नहीं है। तो भाई स्टैटिकल स्टडी मटेरियल फैक्ट्स ओनली, स्टैटिकल रिजल्ट आर ट्रू ओनली अन एवरेज, होमोजेनिटी ऑफ डाटा इज नॉट रिक्वायर्ड, स्टैटिकल स्टैटिक स्टडी एग्रीगेट ओनली। जैसे बच्चा यहाँ पर जो भी बच्चे का पेपर है वो बी ऑप्शन लगा के आया कि भाई संख्यिक परिणाम औसतनी सत्य होते, ये बात तो भाई ट्रू है, ये लिमिटेशन हो ही नहीं सकती, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे भाई, अगर बात करें तो पेपर बहुत ही इजी ही आया है अभी, अगर आप देखते जाएंगे। इन प्योर सेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टैटिक्स ऑफ स्टैटिक्स। अगर आपने बेसिक चैप्टर का इंट्रो भी पढ़ रखा होगा तो आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बता कर सकते हो। जैसे एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स, ओनली एक्सपेक्टेड नंबर, इफेक्ट बाय मल्टीपल ऑफ कॉजेस, ओनली एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। सही बात है भाई, सिम हम जो भी डाटा वगैरह है उनको हम वर्ड्स के अंदर ही क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये वाला पॉइंट वाला नहीं होगा, ठीक है। बाकी सी तीनों के तीनों मैच करते हैं, बट डी पॉइंट नहीं होगा। फिर आता है मध्य मूल, यानी फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग मिड वैल्यू। तो हमें पता है दोनों को प्लस करो, F1, F2 और 2 से डिवाइड कर दो जो भी वैल्यूज है, तो बहुत ही ईजी था भाई ये फॉर्मूला। फिर है असर्शन क्वेश्चन भाई, इसमें आप देख सकते हो असर्शन का क्वेश्चन आया है। इसके बाद 5th क्वेश्चन फिर एक असर्शन और रीजनिंग का दे रखा है। फिर एक आपसे पूछ रहा है, अगर आपने फॉर्मूले पढ़ रखे होंगे तो आप बता सकते हो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर पूछा है। 5-6 मेथड इन कैलकुलेटिंग विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फॉर्मूला, कौन सा यूज किया जाता है, जिसमें आप आराम से टिक कर सकते हो। ग्राफ ऑलवेज ड्रॉन विद द रेफरेंस टू वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ओरिजिन स्केल, आप इसको बता सकते हो अगर आपने पढ़ रखी है चीजें। फिर आता है दोस्त 7th क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको फिर एक फॉर्मूला पूछा है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यानी आपको भी जो क्वेश्चन आने वाले हैं तो फॉर्मूले यार लिख के ले जाना चाहते हो तो यार ले जाओ, बट ध्यान रखना है, याद करके जरूर जाना क्योंकि क्वेश्चन आए हैं 3-4। फिर आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कौन नहीं मेजर करता। तो भाई कोरिलेशन सबसे अलग ही दिख रहा होगा आपको, ठीक है। नाउ अगला कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रैंक, कोरिलेशन क्या होती है, +1, इससे आगे नहीं जा सकता, ठीक है। विच क्वार्टाइल इज कॉल्ड मीडियन, किसे बोला जाता है, Q3, Q1, Q2, तो Q2 को बोला जाता है भाई। फिर आता है एक और असर्शन रीजनिंग आपको दे रखा है भाई, देख सकते हो फिशर वाले मेथड से आपको दे रखा है इंडेक्स, अगर आपने पढ़ रखी होंगी चीजें। और कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए, बहुत अच्छी बात है। एक्सप्लेन द 3 मेन फंक्शंस ऑफ स्टैटिक्स, स्टैटिक्स करता क्या है भाई, बता दो यार सिंपल। फिर क्या कह रहा है, इससे आधारित आपको क्या बताना है भाई, एक क्वेश्चन दे रहा है कंस्ट्रक्ट करना हिस्टोग्राम, यार 9th-8th में बनाते थे, बहुत आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही रद्दी क्वेश्चन आया है वाला, तो मतलब अगर आप बेसिक भी पढ़ते थे तो आराम से कर लोगे। फिर आ गया ये क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट आर लेस देन कम्युनिकेटेड फ्रिक्वेंसी। तो मेरे हिसाब से तो आप उसी वाले क्वेश्चन के हिसाब से जाओ, बहुत बेस्ट रहेगा, आसान भी है, ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा। व्हाट इज दी क्वालिटी ऑफ गुड क्वेश्चनरी, की 4 क्वालिटी बतानी है क्वेश्चनरी जो हम तैयार करते हैं, कि भाई छोटे क्वेश्चन होने चाहिए, ज़्यादा कैलकुलेटेड नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होने चाहिए, MCQ ज़्यादा हो तो बेस्ट रहेंगे, उसको ऑप्शन मिल सके, तो ये बना के लिख सकते हो यार। व्हाट इज मेंट बाय दी सेंट्रल टेंडेंसी, क्या होता है, व्हाट आर दी क्वालिटीज ऑफ गुड मीन, भाई 4 मार्क्स का आराम से बता दोगे। फिर दे रखा आपको एक न्यूमेरिकल जो आप सॉल्व कर सकते हो, कैलकुलेट मोड निकालना है आपको, बहुत ही ठीक है, आराम से मोड वाला फॉर्मूला लगा सकते हो उसके अंदर आप। इसके चॉइस में भी एक क्वेश्चन दिया गया, बहुत अच्छी बात है। फिर 16वां क्वेश्चन अगेन आपको यहाँ पर दे रखा है, कैलकुलेट करना है कार्ल पियर्सन मेथड से कोरिलेशन निकालना है, तो आपको अगर फॉर्मूला आता होगा तो आराम से निकाल लोगे, तो इससे पता चलता है भाई कितने मार्क्स का, देख लो भाई 6 नंबर का अगर यहाँ पर कार्ल पियर्सन आया, बाकी जो भी बच्चे के इकोनॉमिक्स उनका भी फॉर्मूला पूछ सकता है, उससे ही क्वेश्चन आएगा, गारंटेड है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर दे रखा भाई 6 नंबर का आपका ये आया लेस पियर और 5, यानी आपको भी डिट्टो क्वेश्चन मिलेगा जहाँ पर आपको बेस ईयर और करंट ईयर के आधार पर निकालना होता है, तो इस चीज़ को भाई पढ़ के चले जाना, अभी बता रहा हूँ।
अब आए दूसरे बुक से क्वेश्चंस आए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसमें आपको चार ऑप्शन दे रहे हैं, इसमें टिक करना है। फिर अगला क्वेश्चन है सीमांत उपयोगिता, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल यूटिलिटी एट द पॉइंट ऑफ जीरो लेवल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तब भाई TU हमारी मैक्सिमम होती है, सिंपल सी बात थी। ठीक है, फिर 20वां क्वेश्चन MCQ कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटरमाइंट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व, का कौन सा नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सही बात है बिल्कुल। विच कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होता है या एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट या टोटल वेरिएबल। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमें पता है पैरेलल टू क्या होता है एक्स एक्सिस, ऐसे बनता है इसका ग्राफ सिंपल। व्हेन एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है तब क्या होता है, MP AP दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। समझ आ रही है, अगर ग्राफ वगैरह पढ़ रखे हैं तो आराम से कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द केस ऑफ TRTC, के अंदर क्या होता है नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो ध्यान रखना। फिर अगर एक एक्सर्शन और रीजनिंग दे सकते हो, यानी 5-6 क्वेश्चन तो एक्सर्शन रीजनिंग हो गए। फिर आपको फॉर्मूला पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही नहीं है, भाई हमें पता है AR तो ये भी सही है, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे दिख गया हमें ये वाला गलत है। ठीक है, क्योंकि आप डिवाइड करते हो ना तो खा ऑप्शन ऐसे गलत है, बी आप टिक कर सकते हैं। ठीक है भाई, अगला कह रहा अंडर विच मार्केट फॉर्म इज दी प्राइस टिक और परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। यही कोर्स में था, यही पूछेगा, और से ज्यादा थोड़ी पूछ लेगा। ठीक है, इन दिस सिचुएशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम, कौन सी होती है कंडीशन जब भाई मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई के बराबर होती है, उसी को इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहा जाता है। अगला देख लो भाई क्वेश्चन, अगेन दे रखा है सेशन रीजनिंग, तो भाई इसको बहुत ध्यान से समझना। फिर माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस पूछ रहा है, तीन बता दोगे या इसके चॉइस में भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया, तो आप दोनों के साथ जा सकते हो। फिर मैंने बताया था भाई इलास्टिसिटी वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पढ़ के चले जाना भाई दूसरे इवनिंग शिफ्ट वालों। और ये क्वेश्चन तो पूछता ही भाई ABC का यू शेप क्यों होता है, आपके में AFC का पूछ सकता है, तो ध्यान से पढ़ जाना भाई, 4 नंबर कम से कम। ठीक है, फिर दे रखा है रिलेशन ऑफ TP और MP में पूछा है, आपके में AP और MP में पूछ सकता है, ध्यान रखना बच्चों इस चीज का क्वेश्चन को। फिर एक क्वेश्चन दे रखा है टेक्नोलॉजी एडवांस, ये भी फैक्टर्स दे दिए सप्लाई के, आपको डिमांड के दे सकता है। और 6 नंबर का एक बजट लाइन का क्वेश्चन आया, बहुत सिंपल सा, आपको इक्वेशन ऑफ बजट लाइन बतानी है क्या होती है, m = px + py स्लोप बता दोगे क्या होता है -x/y। ठीक है, कैन कंज्यूमर बाय को बोथ कॉम्बिनेशन आप चेक करोगे इसके इनकम पे वैल्यू रख के कि सो के इक्वल आना चाहिए, तो आप बता सकते हो। बाकी 2 ऑप्शन में दे रखे हैं, तो आप जो भी अच्छा लगे वो क्वेश्चन कर सकते हो। 34 क्वेश्चन में आपको एक प्रॉपर परिवर्तित अनुपात का नियम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन 6 मार्क्स का पूछा है, और ये आपका पेपर हो गया दोस्तों खत्म। आई होप आपको ये वीडियो देख के अंदाजा लग जाएगा भाई क्वेश्चन कौन से आने, गारंटी ले लो 50 तो आराम से प्लस हो जाएंगे अगर आप इसके अकॉर्डिंग इसी पैटर्न के हिसाब से पढ़ के चले जाओ और पूरा पढ़ा ना हो, पूरा संडे लग जाओ भाई। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि 12th में मैं ही काम आऊंगा, ध्यान रखना। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।